तो दोस्तों, मैं हूं विशाल, हेल्प ट्यूबर में आपका स्वागत है। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट अभी क्या चल रहा है। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि मैंने क्रोम ब्राउजर खोल रखा है। आप अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में कहीं भी खोल करके आप भी देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी देख सकते हैं। तो यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर देख सकते हैं कि मैंने सर्च किया बैंक ऑफ इंडिया, इसका ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर आ चुका है। यहां पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में इस तरह से आपका पेज खुल जाएगा। अगर आप मोबाइल से खोल रहे हैं तो मैं आपको बगल से दिखा देता हूं कि यहां पर कुछ इस तरह से खुलेगा। खोलने के बाद आपको जो तीन लाइन दिखाई दे रहा है, यहां पर क्लिक करना है। ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर बगल में इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। यहां पर देख सकते हैं कि ऊपर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं इंटरेस्ट रेट, यहां पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहां पर एक नया पेज खुल गया है। खुलने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि सेविंग अकाउंट का अगर आप अपना ब्याज देखना चाहते हैं कि कितना आपका सेविंग अकाउंट ब्याज देता है, अगर उसमें पैसे पड़े हुए हैं तो यहां पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं कि 1 लाख तक का जो ब्याज है आपको 2.90% आपको प्रतिशत ब्याज देगा, और यहां पर 1 लाख से ज्यादा भी हुआ तो उतना ही ब्याज देगा। ठीक, तो ये आपके सेविंग अकाउंट का ब्याज है, जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं उसके ब्याज हैं। ठीक, लेकिन अगर आपको FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट, जिसे टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, अगर उसका आपको रेट जानना है तो यहां पर क्लिक करना होगा रूपी टर्म डिपॉजिट रेट। तो यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि रेट हमारे सामने खुल के आ चुका है। ये जो रेट है वो इसमें थोड़े चेंजेस किए गए हैं। देख सकते हैं कि WEF विथ इफेक्टिव फ्रॉम, यानी कि उस दिन से ये इफेक्टिव है। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, 1 तारीख 10वें महीने 2020। ठीक, तो इसमें वेबसाइट पर हमेशा एकदम लेटेस्ट जो रेट होता है वो अपडेट किया जाता है। तो ये एकदम करेक्ट रेट है बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 7 से 14 दिनों के लिए अगर आप रखते हैं, FD करते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो उसमें आपको 3.25% का ब्याज यहां पर मिलेगा। 2 करोड़ से कम है तब, ऐसे 2 करोड़ से ज्यादा कोई करता भी नहीं है। देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है एवव बट लेस देन RS 10 करोड़, तो उतना पैसा तो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता है। तो हमें इस रेट को नहीं देखना है, हमें इस वाले रेट को देखना है। हालांकि इससे ये कम ही है, लेकिन हमें इस वाले को देखना है। यहां पर देख सकते हैं, इसको यहां पर आपको देख लेना है। ठीक, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। 7 से 14 दिनों के लिए अगर आप FD करते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो 3.25% मिलेगा। 15 से 30 दिनों के लिए अगर करते हैं तो यहाँ पर 3.25% मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से अगर आपको FD करना है तो मिनिमम 6 महीने का तो आप करेंगे ही, इसमें क्या रखा है इतने में। तो और यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 दिनों से 45 दिनों तक अगर FD करना चाहते हैं तो 3.25%। वहीं 46 days to 90 days अगर करते हैं तो 4.25%। ठीक, इसमें बढ़ा है। और उसके बाद यहीं 91 दिनों से 179 दिनों तक अगर करते हैं तो यहाँ पर 4.25% ही ब्याज आपको मिलेगा, और उससे थोड़ा यहाँ पर बढ़ा हुआ है। 180 दिनों से 269 डेज अगर करेंगे तो यहाँ पर 4.75%, यानी कि 4.5% यहाँ पर आपको ब्याज मिल जाएगा। ठीक, और वहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं 270 दिन से ज़्यादा और 1 वर्ष से कम करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, 270 दिनों से ज्यादा 1 वर्ष से कम अगर FD करते हैं तो आपको 4.75% ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 वर्ष करते हैं या फिर 1 वर्ष से ज्यादा करते हैं और 2 वर्ष से कम करते हैं तो आपको 5.25%, यानी कि 5.25% आपको ब्याज दर मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 वर्ष करेंगे या फिर 3 वर्ष से कम के लिए करते हैं तो यहाँ पर 5.30% आपको मिल जाएंगे, और यही रेट अंत तक है, यानी कि 10 वर्ष के लिए FD होता है। यहाँ पर सबसे नीचे देख सकते हैं, और रेट सभी में यहाँ से यहाँ तक सेम है। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक करेंगे तो आपको सेम रेट मिलेगा यहाँ पर 5.30%। इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ से 2 वर्ष से
और 10 वर्षों के लिए 5.30%। ये जो रेट हैं वो चेंज होते रहते हैं महीने या फिर एक महीने दो महीने पर, ये चेंज होते रहते हैं, बैंक अपना चेंज करते रहता है। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग सीनियर सिटीजन हैं उन लोगों को थोड़ा यहाँ पर 0.5% का छूट मिल जाता है, तो वो देखने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि रेट फॉर सीनियर सिटीजन डिपॉजिट से है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.5% आपको ज्यादा मिलेगा, और इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है क्या है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर 6 महीने या फिर उससे ज्यादा रखेंगे आप पैसा तभी आपको ये जो 0.5% का जो छूट है, लाभ है, आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक, कर्मचारियों या फिर पूर्व कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिक 6 महीने से, यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 महीने या फिर उससे अधिक होना चाहिए आपका जो एफडी होना चाहिए, वो 6 महीने से ज्यादा होना चाहिए तभी आपको 0.5% का यहाँ पर लाभ मिलेगा। मैं बता देना चाहूंगा कि सीनियर सिटीजन वे लोग कहलाते हैं जिनका जो उम्र होता है 60 से ज्यादा होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा 60 ईयर्स, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो 60 वर्ष से ज्यादा के होते हैं उन्हीं को सीनियर सिटीजन का फायदा मिलता है। ठीक, तो यही आपको रेट मिलने वाला है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं गूगल में बैंक ऑफ इंडिया कैलकुलेटर, यहाँ पर मैंने सर्च किया बैंक ऑफ इंडिया कैलकुलेटर, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आ चुका है बैंक ऑफ इंडिया का कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये जो ऑप्शन है ईएमआई कैलकुलेटर पर है, इसे हम हटा करके फिक्स्ड डिपॉजिट कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1 लाख है, एक ही लाख है, हाँ सही है, 1 लाख है। और जो रेट आपको मिल रहा है जितने वर्ष के लिए करना है वो सब डालना होगा। तो जैसे मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, एक ईयर के लिए यहाँ पर 5.25% है रेट, तो यहाँ पर मैं डालूंगा 5.25% है, तो यहां पर मैं डाल देता हूं, यहां पर 5.25% हो चुका है, पीरियड मंथ में है यहां पर, तो 12 महीने यानी 1 साल हो गया। अगर आपका डेज भी है, दिन भी है, तो यहां पर दिन भी डाल सकते हैं, लेकिन यहां पर मेरा एक्यूरेट 1 वर्ष है, तो यहां पर 12 मंथ ही सही है। ठीक, तो ऊपर देख सकते हैं कि यहां पर बता दिया है कि 1,05,250 रुपए मिलेंगे, लेकिन इससे ज्यादा ही आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि बैंक का जो सिस्टम होता है कैलकुलेट करने का वो क्वार्टरली यानी कि तिमाही होता है, और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड चलता है। इसी के चलते अगर आप 1 साल के लिए 1 लाख का एफडी रखते हैं तो इससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ चुका होगा। ठीक, तो ये चार्ट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। कैलकुलेटर का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना कितना आप रखना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा होगा, तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।